वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना ही कौम बन सकती है। अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया, मुझे तो खुद नहीं पता था कि इतने मुश्किल हालात में दोबारा आऊँगा। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि घबराना नहीं है। लीग ने कह जी इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो भाई तुम घरों ले आके लाते हो, तुम तो इतों ही ला जाते हो सारे डालर, तो वापस की लिया हो साग डालर। और मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने नीयत मेरी है कि अगर हुक्मरान बेईमान हो रहा तो उसकी बरकत ख़त्म हो जाती है। और हमारे पास मैं वो घरों ले आ गया नहीं ला रहा, पैसे मुकते ही नहीं, तुम मंगी जाओ अभी दे जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गुजरात का मुझे कहते हैं जी के, मैंने कहा गुजरात एक ऐसा सेंटर बन रहा है एक्सीलेंस का कि उसका नक्शा बिल्कुल तब्दील होगा और एक बिल्कुल किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तालीम के हवाले से, इलाज के हवाले से, और हर किस्म का इलाज इंशाल्लाह हम इधर लेके आ रहे हैं। गवर्नर